असलकम स्टूडेंट्स इस सेशन में हम अपने पांचवें ऑपरेशनल मॉडल के बारे में बात करेंगे जो है सर्विस सब्सिडाइजेशन मॉडल बस लोगों का ख्याल है कि इसको सर्विस कमर्शलाइजेशन मॉडल कहना चाहिए और उसकी वजह मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ आप अपनी स्क्रीन पे मॉडल की फिगर देख सकते हैं वही पहले वाले तीनों कॉम्पोनेट्स सोशल एंटरप्राइज टारगेट पॉपुलेशन और मार्केट लेकिन रिलेशनशिप जो है वो डिफरेंट है सोशल एंटरप्राइज जो है वो अपनी सर्विसेज़ को सोशल सर्विस को जो उसका मिशन है टारगेट पॉपुलेशन को और उसके अलावा किसी भी एक्सटर्नल एलिमेंट को ओपन मार्केट में सेल कर सकता है और करता है जहाँ से वो प्रॉफिट अर्न करता है या रेवेन्यूज़ जनरेट करता है सब्सिडाइजेशन की टर्म जो है उस पर थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है यहाँ पे सब्सिडाइजेशन से मुराद सब्सिडी जो कंसेशन होता है वो नहीं है सब्सिडाइजेशन से मुराद यहाँ पे सब्सिडरी है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की आप कह सकते हैं बाय ऑर्गेनाइजेशन या बाय प्रोडक्ट जिसको आप कहते हैं वो मुराद है सो सोशल एंटरप्राइज एक मिशन के साथ एक सोशल सर्विस देने के लिए इस्टेब्लिश हुआ सिर्फ एग्जाम्पल हेल्थ सर्विसज या एजुकेशन सर्विसेज या कोई और इस तरह की सर्विस उस पर्पज़ उस मिशन के साथ उसको स्टेब्लिश किया गया है वो अपनी सर्विसेज की फ्राहमी में कॉम्पटेंट है वो उसकी सर्विसेज जो है उसके क्लाइंट उसकी टारगेट पॉपुलेशन को पहुंच रही हैं सेटिस्फाई करती हैं उसके पास या तो एक्सेस स्टाफ है या उसकी कम्पटेंस ज़्यादा है या वो नीड आइडेंटिफाई करता है मार्केट में कि कोई गैप है जिसको कोई और फिल नहीं कर रहा तो टेकिंग अपॉर्चुनिटी वो उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश करता है और अपनी सर्विसेज जो हैं उनको कमर्शियल बेसिस पे अब मार्केट में सेल करना शुरू कर देता है जो उसका सोशल प्रोग्राम है वो अपनी जगह पर रहता है वो जो भी अरेंजमेंट है उसका उसकी टारगेट पॉपुलेशन के साथ वो उसी तरह रहता है वो सर्विस दी जाती है लेकिन वही सर्विस या कोई और सर्विस जिसमें वो कॉम्पिटेंट महसूस करता है कि उसके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज़ uh, हैं देने के लिए वो वो मार्केट में एक्सटर्नल एलिमेंट्स को सेल आउट करता है जिससे वो रेवेन्यूज जनरेट करता है और अगर उसके पास सरप्लस हो तो वो उसको अपनी सोशल सर्विस जो कि वो टारगेट पॉपुलेशन को दे रहा है उसके बेहतरी के लिए या उसको आ, फ्री देने के लिए इस्तेमाल कर सकता है ये एक इंटीग्रेटेड मॉडल है जिसमें सोशल एंटरप्राइज में सोशल सर्विस उसका मिशन एक टारगेट पॉपुलेशन और उसकी नीड्स और एक मार्केट जिसमें एक गैप है एक अपॉर्चुनिटी है प्रॉफिट अर्न करने की सब इंटीग्रेट हो जाते हैं आसानी के साथ बात ऑर्गेनाइजेशन का सोशल एंटरप्राइज का मिशन जो है वही उसकी सर्विस भी होता है वही उसका बिजनेस भी होता है लेकिन सूरतों में यह ज़रूरी नहीं होता सो फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्थ सर्विसेज एज़ अ सोशल सर्विस प्रोवाइड कर रही है जाहिर है उसके लोगों की एक्सपर्टीज़ जो हैं वो हेल्थ सेक्टर में हैं तो हो सकता है वो वही सर्विस प्राइवेट सेक्टर में जैसे हमारे यहाँ शाम को सरकारी अस्पताल के डॉक्टर शाम को अपनी प्रैक्टिस करते हैं अगर हॉस्पिटल ख़ुद उनसे वो शाम के क्लिनिक जो है वो करवाता है तो ये एक एग्ज़ाम्पल है इंटीग्रेट करने की जो सोशल सर्विस है वो और साथ मार्केट मॉडल को तीनों को इकट्ठा करने की ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सोशल एंटरप्राइज इसमें अगर चे इम्पोर्टेंट नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या हो किस टाइप की सर्विस हो टारगेट पॉपुलेशन कैसी है बिजनेस कौन सा है मार्केट की नेचर या स्कोप क्या है ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती इट्स बेसिकली अबाउट कि जो सोशल एंटरप्राइज़ है वो कितना कॉम्पिटेंट है वो बेस्ट सर्विस जो सोशल सर्विस जो उसका मिशन है वो बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि जो वो बिजनेस करने जा रहा है जो वो मार्केट में एक्सटर्नल सेलिंग करने जा रहा है वो अबव एंड बियॉन्ड जो उसकी सोशल सर्विस है वो है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब वो बिजनेस करने लगे या ऑर्गेनाइजेशन की या एंटरप्रेन की जो तो है वो बिजनेस पे हो तो सोशल सर्विस अफेक्ट हो उसकी क्वालिटी उसकी क्वांटिटी उसकी एफिशिएंसी या उसकी इफेक्टिवनेस या उसका सोशल इंपैक्ट जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए इसलिए ज़रूरी है कि वो अपनी जो सोशल सर्विस जो उसका मिशन है उसकी प्रोविजन में कॉम्पटेंट हो बेस्ट हो एक्सलेंट उसको हो उसको कॉन्फिडेंस हो कि अगर इसके अलावा अब वो कुछ करते हैं या इसी सर्विस को कमर्शलाइज करते हैं तो स्टाफ और जो उसकी अपनी टारगेट पॉपुलेशन है वो कोप कर सकते हैं उनको नेगेटिवली इम्पेक्ट नहीं आएगा इस किस्म के सोशल इंटरप्राइज की सस्टेनेबिलिटी में सबसे बड़ा चैलेंज ही ये होता है कि बाजूक़ात बहुत बहुत एक्सपर्ट जो लोग रखने वाली स्टाफ रखने वाली ऑर्गेनाइजेशंस एंटरप्राइजेस हैं जब वो मार्केट करते हैं अपनी सोशल सर्विस को तो स्टाफ एक तरह से ओवरवेल्म्ड ओवरबर्डनड और हो जाता है तो उस तरह से क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो अफेक्ट होती है लोग जल्दी छोड़ना शुरू कर देते हैं या बाओात जो एक्चुअल टारगेट पॉपुलेशन है जिसके लिए सर्विस सोशल सर्विस के तौर पर फ्राहम की जा रही थी वो नेगेटिवली इम्पेक्ट होती है या सोशल इम्पेक्ट उतना नहीं रहता ये सबसे बड़ा एक चैलेंज है जो इस किस्म के सर्विस सब्सिडाइजेशन मॉडल वाली एंटरप्राइजेस को फेस करना पड़ता है उसको कोप करना होता है उसके लिए ये जो मॉडल है ये ख़ास किस्म की ख़ास तौर पर इंटेंजिबल सोशल सर्विसेज के लिए यूज़ होता है फॉर एक्ज़ाम्पल एजुकेशनल कंसल्टेंसी जैसे आपके टीचर्स यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे होंगे लेकिन साथ वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसर्च का काम कर रहे हैं किसी इंटरनेशनल बॉडी के लिए या गवर्नमेंट के लिए या किसी और के लिए क्योंकि वो कॉम्पिटेंट हैं वो आपको तो पढ़ा रहे हैं और वो उससे इंसाफ कर रहे हैं अपनी फर्स्ट जॉब के साथ लेकिन वो इतने एक्सपर्ट हैं कि वो उसको अपनी स्किल को मार्केट में भी यूज़ कर सकते हैं कंसल्टेंसी दे सकते हैं इसी तरह काउंसलिंग सर्विसेज हैं उसमें बिजनेस काउंसलिंग हो सकती है उसमें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो सकती है उसमें सोशल काउंसलिंग हो सकती है इसके अलावा जो टेंजिबल एरियाज़ हैं उनमें अमूमन ये प्रिंटिंग और पब्लिकेशन का काम जो है वो एक ऐसा एरिया है जिसमें इस तरह का मॉडल जो सर्विस सब्सिडाइजेशन का मॉडल है वो इस्तेमाल किया जाता है थैंक यू